असलम डयर स्टूडेंट्स आज की वीडियो का पर्पज़ ये है कि अगले चंद दिनों में जो आपने ए आई के एडवांस कोर्स में लाइब्रेरी एक्सटेंसिवली यूज़ करनी है विच इज़ numpy मैं उसके बारे में आपको बहुत ब्रीफ़ और बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल का इंट्रोडक्शन दे दूँ नम पाई स्टैंडस फ़ॉर नमेरिकल पाइथन और जब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं या आप हाई डायमेंशनल एरेज उनकी डायमेंशन को चेंज करते हैं तो उस वक्त numpy आपको बहुत हेल्प आउट करती है आज के डंडे में हम बात करेंगे स्केलर्स वेक्टर्स, मैटोस टेंसर्स और फिर इनकी हम शेप चेंज करके देखेंगे और कुछ ऑपरेशन भी करेंगे इन पर आपने इस लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना है तो जो पहली कमांड आप यूज़ करेंगे दैट इज़ एम्पोर्ट numpy। नम्पाई और उसके बाद आप ऐस के बाद कोई सा नाम दे सकते हैं लेकिन नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द टाइम जो नाम दिया गया है वो नम्पाई है तो आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे सो इम्पोर्ट नम्पाए एस एन पी अच्छा सबसे पहले हम स्केलर की बात करेंगे स्केलर आपके पास नम्पाए की एक ऐसी टाइप है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है ठीक है स्टिल आपको इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है अच्छा जब आज के दिन में आप देखेंगे नम्पाए टाइप के एलिमेंट्स को तो आपको लगेगा आप बिल्कुल लिस्ट की तरह के एलिमेंट्स को देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रिजम्बलेंस है लेकिन एक फ़र्क है और वो फ़र्क ये है और भी फ़र्क हैं लेकिन मेन फ़र्क ये है कि लिस्ट में के एलिमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ़ टाइप के हो सकते हैं जबकि नम्पाई के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स की टाइप सेम होगी अच्छा स्केलर जो है इसकी कोई डायमेंशन नहीं है और ये देखने में बिल्कुल ही कॉन्सटेंट की तरह नज़र आता है जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एन पी डॉट अरे इसका क्या मतलब है मैं एक नम्पाई अरे की बात कर रही हूँ और उसकी वैल्यू क्या है ओनली फिफ्टी आप उसको उसमें स्टोर करते हैं और फिर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो यू विल सी कि आपकी स्क्रीन पे फिफ्टी प्रिंट हो जाएगा अच्छा अब हम ज़रा इसकी शेप चेक करते हैं तो इसकी शेप चेक करने के लिए एलिमेंट का या वेरिएबल का नाम डॉट शेप इसी तरह से मैंने टाइप भी प्रिंट करवा ली है दोनों चीज़ों को साथ ही मैंने प्रिंट करवा लिया तो आप देखें कि इसकी शेप क्या है इसकी कोई शेप नहीं है आप ये देखिएगा इसकी कोई शेप नहीं है ठीक है इसको नोट कर लें और आगे ऑब्जर्व कीजिएगा और ये है क्या ये नम्पाए की एन डायमेंशनल एरे है राइट अच्छा अब इस कोड को देखते हैं आपने क्या किया जो आपकी नम्पाए एरे थी उसमें पहले फिफ्टी स्टोर था वो आपने उसमें थ्री स्टोर करवाया है और उसको आपने एक्स में स्टोर कर दिया तो हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू को प्रिंट करवा के देखते हैं राइट इट इज़ फिफ्टी थ्री और अब जरा तो इसकी टाइप देखते हैं तो मैं ऊपर वाला जो है वो कमेंट कर देती हूँ और नीचे वाला रहने देती हूँ दोनों भी रहने दे सकते हैं ठीक है तो इट अगेन एक्स की भी टाइप क्या है लंबाए है ठीक है ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर्स की इनको अगर आप कंपेयर करना चाहें ना तो जो वन डायमेंशनल एरे है वो आपको वेक्टर की तरह नज़र आती है ठीक है अच्छा तो इससे पहले कि हम वेक्टर्स, एक्चुअल वेक्टर्स पे जाएँ इस पर गौर कीजिएगा आप क्या कर रहे हैं एन पी डॉट ज़ीरोज़ और कितने ज़ीरोज़ लिए हैं? थ्री ज़ीरोज़ लिए हैं। और किस में स्टोर कर दिए हैं आपने आपने एक्स में स्टोर कर दिए हैं और फिर आप क्या कह रहे हैं आप प्रिंट करवा रहे हैं कि आपके पास उस वैल्यू क्या है और शेप भी प्रिंट करवा रहे हैं आप देखते हैं अच्छा ज़रा ये ऑब्जर्व करने की चीज़ है काइंडली आप नोट करें थ्री ज़ीरोस प्रिंट हो गए शेप पे गौर करें पहले हमने शेप देखी थी एम टी ब्रैकेट्स थी अब वन डायमेंशनल एरे है तो अब आपके पास क्या आ गई है थ्री कॉमा और थ्री कॉमा के बाद कुछ नहीं है तो ये इट्स सेल्फ इंडिकेट करता है कि ये काइंड ऑफ वन डायमेंशनल एरे है इसी तरह से एक और इनिशलाइजेशन जो आप कर सकते हैं जीरोस के बजाय वंस की वो एक्स पी एन पी डॉट वंस और क्या होगा आपकी स्क्रीन पे थ्री वंस और दूसरा उसने आपको शेप बता दी है अगेन ये हर दफ़ा थ्री लेने की ज़रूरत नहीं है फॉर एक्ज़ाम्पल मैंने इसको कहा कि टेन ले ले तो जितने आप एलिमेंट्स कहेंगे उसका वन डायमेंशनल वेक्टर क्रिएट कर देगा वेक्टर को आप बार बार डीप लर्निंग में भी यूज़ करेंगे और जब आप एक्सक्लूसिवली एन एल पी के कंटेंट पर जाएंगे तो भी आप इसको बार बार यूज़ कर रहे होंगे और राइट आई होप कि वैक्टर आपको क्लियर हो गया अब मैं आपको ये जैसे एक ये वैक्टर है ये ज़ीरोज भी नहीं है वन भी नहीं है ये आपने ख़ुद से क्रिएट किया है और कैसे क्रिएट किया ज़रा गौर से देखें मैंने एन पी डॉट अरे को एक कम्प्लीट लिस्ट प्रोवाइड कर दी है वन लिस्ट तो इसने क्या किया इसने एक वन डायमेंशनल वेक्टर क्रिएट कर दिया है या प्रिंट करवाएंगे तो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ जाएगा आप इसकी शेप भी चेक कर लें और राइट कमिंग टू अच्छा लम्पाई अरेस की एक और ख़ूबसूरत बात ये है कि आप इसके ऊपर डिफरेंट काइंड के इंडाइसिस जो हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं आप पिछले लेक्चर्स में इस स्टेज uh, से गुजर आए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वी वन कॉलन टू और इसको हम प्रिंट करवाते हैं तो आप देखें कितने एलिमेंट प्रिंट हुए हैं एक ही एलिमेंट प्रिंट हुआ है दो दोबारा देखते हैं फॉर एग्जाम्पल आप इसको कहते हैं ज़ीरो कॉलन टू तो अब आप कॉर्ड करें एलिमेंट नंबर ज़ीरो प्रिंट हुआ है और एलिमेंट नंबर वन प्रिंट हुआ है एक तो ये भी आइडिया हुआ ना कि सब्सक्रिप्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है जीरो से स्टार्ट हो रही है दूसरी बात ये है कि जो टू वाला एलिमेंट है ना वो नहीं प्रिंट हुआ थ्री ट्राई करें देखते हैं कि इस पे इसका रिस्पॉन्स क्या है तो इसने सारे एलिमेंट प्रिंट करवा दिए ये गौर कर लें कि जब हम इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो लास्ट एलिमेंट जो है वो मिस हो जाता है इसको गौर से देखिएगा इसका क्या मतलब है पहले एलिमेंट से शुरू हो यानी जीरो और फिर वन और कॉलन के बाद आपने कुछ बताया है? नहीं बताया तो ये अरे के वेक्टर के एंड तक जाएगा इसी तरह से यहाँ पे आप देखें मैंने एंड में वन बताया है इसका क्या मतलब है वन वाला जो एलिमेंट है उस पर एंड करना है और किधर से आना है स्टार्ट से आना है ठीक है इसको वन बाय वन ट्राई करते हैं बल्कि एक को मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि आप क्लिक क्लीन लाइक like, इसका क्या मतलब है कि वन से शुरू हो जाए वन वाला कौन सा एलिमेंट था टू और एंड तक जाए अब देखिएगा मैं इधर कुछ भी नहीं करती कुछ भी नहीं लिखती तो अब ये क्या करेगा सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा राइट और अगर मैं इसको बोलती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल टू टू ऑनवर्ड्स तो टू ऑनवर्ड्स ए की एलिमेंट है ए की एलिमेंट प्रिंट करेगा ओके, सो दैट अबाउट वेक्टर्स, वन डायमेंशनल लिस्ट है लेकिन लिस्ट नहीं है लिस्ट में एलिमेंट्स की कोई भी टाइप हो सकती है इंटीजर हो सकते हैं फ्लोट हो सकते हैं कोई नाम हो सकता है कोई डिक्शनरी हो सकती है कोई टप्पल हो सकता है लेकिन लंपाई के अंदर आपको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ नज़र आएंगी लेकिन नज़र बिल्कुल आपको लिस्ट ऐसा नज़र आएगा नेक्स्ट जब आप टू डायमेंशनल एंटिटीज की तरफ आते हैं तो आप उन्हें मैट्रिसेस का नाम देते हैं जरा मैट्रिक्स की शेप जरा गौर से देखिएगा एन पी डॉट एरे आप ये देखिए ये हमारा पहला एलिमेंट है वन टू थ्री फिर फोर फाइव सिक्स ये हमारा दूसरा एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट क्या है सेवन एट नाइन और अगला एलिमेंट क्या है टेन एलेवन ट्वेल्व और फिर काइंडली इस लाइन को गौर से देखिएगा इसमें आपको टू स्क्वायर ब्रैकेट्स नजर आएंगी राइट right? तो इसमें आपको टू स्क्वायर ब्रैकेट्स नज़र आएंगी इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी शेप भी आपके पास आ गई है और आपके पास इसकी जो वैल्यूज हैं वो भी प्रिंट हो गई हैं अगर आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं जैसे एम वन वन का क्या मतलब है पहला वाला नहीं दूसरा वाला ठीक है और उसमें कौन सा वाला एलिमेंट टू वाला तो आप देखिए जीरो वन और टू तो ये आपके पास सिक्स इसका आंसर आएगा चलिए इसको प्रिंट करते हैं ठीक है सो अब नेक्स्ट ये आपने क्या लिया है अगेन एक थ्री बाय थ्री का आपने मैट्रिक्स लिया है और फिर आपने उसकी टाइप प्रिंट करवा ली है शेप प्रिंट करवानी है तो आप शेप भी प्रिंट करा सकते हैं ठीक है तो ये आपने इस एलिमेंट को प्रिंट करवा लिया अच्छा और अजीब बात है आप देखें चूंकि आपने एन पी डॉट एरे नहीं यूज़ किया तो इसकी टाइप क्या है इसकी टाइप लिस्ट है तो ये छोटी छोटी बातें जिसको आपने वैन यू आर वर्किंग विद नम पाए आपने ख्याल रखना है कि वैन इट इज़ अ लिस्ट एंड वेन इट इज़ आई आ नम पाए एन डायमेंशनल एरे एक और नाम जो आप ऑलमोस्ट रूटीन uh, में सुनेंगे यू आर वर्किंग विद टेंसर्स यू आर वर्किंग विद टेंसर्स टेंसर्स के हैं आर मल्टी डायमेंशनल एरेज जो कि वेक्टर्स और मैट्रिक्स से मिल बनी है। वेक्टर भी इसका बेसिक यूनिट हो सकता है और मैट्रिक्स भी हो सकता है दिस इज़ हाउ यू विजुलाइज इस एग्जांपल को देखिएगा आप सिर्फ इस पर फोकस करें फॉर एग्जांपल टू पे ये एक एलिमेंट है ये एक वेक्टर है अब ये वन और टू मिलके क्या बन गए एक मैट्रिक्स बन गए और इसका ऑर्डर क्या है टू बाय वन टू रोज हैं और वन कॉलम में ये थ्री और फोर को देखिएगा अगेन ये एक आ, मैट्रिक्स है और इसकी हर रो में कितने एलिमेंट हैं ओनली वन है अच्छा अब देखिएगा ये ये सब ये एक मैट्रिक्स है ठीक है और फिर ये सारा का सारा ये एक मैट्रिक्स है और फिर ये सारा का सारा अगेन एक मैट्रिक्स है ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी शेप देखते हैं शेप क्या है इसकी और आप इसकी शेप देखेंगे ऐसे शेप समझ नहीं आएगी मैं इसको कैसे समझती हूँ सबसे इनर साइज क्या है वन मैं इधर वन लिख देती हूँ फिर कितने कितने का ग्रुप है टू टू का ग्रुप है तो उसके बाद मैं टू टू लिख देती हूँ फिर एक कंप्लीट मैट्रिक्स में या एक कंप्लीट टेंसर में कितने एलिमेंट हैं थ्री एलिमेंट हैं ये देखिएगा वन टू और थ्री तो अगली डायमेंशन क्या आ गई थ्री अब इस जैसे जितना मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको आप और से देखिए तो इस जैसे कितने एलिमेंट हैं थ्री एलिमेंट हैं वन टू एंड थ्री तो इस तरह से आप अपने लिए एक वे आउट कर लें मैं इनर मोस्ट जो सबसे छोटा लेवल है वहाँ से स्टार्ट करती हूँ और फिर बाहर को उसको एक्सपैंड करती जाती हूँ और उससे मुझे शेप का आइडिया हो जाता है ठीक है इसको थोड़ा ट्राई करते हैं और इसी को दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इस दफ़ा इसका साइज़ ज़रा कम कर देते हैं ताकि कुछ समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं अच्छा जी मैं सब निकाल देती हूँ और आप ब्रैकेट्स में आपने ख़ास केयर करनी है जितनी ब्रैकेट्स आपकी शुरू हो रही हैं उतनी ब्रैकेट्स एंड होनी चाहिए ठीक है तो ये तो वन के लिए थी ना ये चलें सिक्स की सिक्स की आउटर एंड हो रही है और फिर जो है ये सबसे आउटर जो ये हमने स्टार्ट की थी इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं ठीक है और अब ज़रा इसकी शेप दोबारा से देख लेते हैं तो आपने देखा कितने एलिमेंट थे ऐसे एक एलिमेंट था और इनर कितने हैं थ्री है और वन टू एंड थ्री ठीक है एक और एग्जांपल देखते हैं शायद उससे कुछ और चीज़ें क्लियर हो आपने इसकी शेप के बारे में क्लियर होना है इस दफ़ा मैं क्या करती हूँ मैं एक ब्रैकेट कम कर देती हूँ अब देखिएगा ठीक है अब इसकी शेप देखते हैं दोबारा से ठीक है इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और बल्कि इसी सेल में इसलिए पेस्ट कर देती हूँ ज़रूरत नहीं है सेल में पेस्ट करने की लेकिन सिर्फ हमें आसानी हो कि इसी की शेप आ रही है तो अब आप देखिएगा सो दिस इज़ हाउ यू मस्ट इनर एलिमेंट कितना है वन साइज़ का है फिर कितने कितने की ग्रुपिंग है टू टू की ग्रुपिंग है ठीक है और फिर कितने की ग्रुपिंग है थ्री आप इसको ना एक क्यूब की तरह भी विजुलाइज कर सकते हैं ये एक ऐसा है जिसकी तीन डायमेंशनस हैं आपके पास और आप ये वो जो पहले वाला आपका एलिमेंट था उसमें से आप एलिमेंट प्रिंट करवा रहे हैं मैं पहले वाला एलिमेंट दोबारा ले लेती हूँ और वहाँ जाके हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं कॉपी कर लें ये था हमारा पहले वाला एलिमेंट और इसको जरा इधर ही रन करते हैं पहले इसको जरा विजुलाइज करते हैं ये कौन सा एलिमेंट ले रहा है एक एलिमेंट लेना चाह रहा है जीरो है ही एक है ना एक सेल में एक एलिमेंट है अच्छा फिर इसने कौन सा वाला लेना चाह रहा है पहला वाला लेना चाह रहा है दैट मीन्स कि ये दूसरे की बात करेगा अब आप इस साइड से स्कैन करें सेकंड का क्या मतलब है जीरो वन टू सेकंड वाले एलिमेंट में आना है उसके बाद किस में आना है पहले वाले एलिमेंट को नहीं देखना ये आपका पहला वाला एलिमेंट था ये दूसरा एलिमेंट था तो अब आपने वन ये किसको शो कर रहा है ये जीरो था और ये वन है अच्छा और इसमें से आपने कौन सा वाला लेना है वन लेना है तो वन वाला ये सिक्सटीन रहा ठीक है ये सिक्सटीन और सिक्सटीन में कितने है ही एक तो वो ज़ीरो उसने बोला तो इसका आंसर क्या आएगा सिक्सटीन आएगा ठीक इसी तरह से आप डिफरेंट सब्सक्रिप्ट लेके इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें कि ये ठीक है अच्छा जी अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो आप रूटीन में करेंगे वो है चेंजिंग शेप जैसे आपके पास ये एक वेक्टर है ठीक है और आपने इसकी शेप प्रिंट करवाई तो इसकी शेप कितनी आई फोर आई ठीक है अब आप देखिएगा रीशेप एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है डीप लर्निंग के ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में आप इसे यूज़ करेंगे तो रीशेप क्या बोलता है जो शेप आप दे रहे हैं उसमें इसको ले आए तो आप उसको कौन सी शेप बोल रहे हैं वन कोमा फोर तो आपने एक वेक्टर को पकड़ के क्या बना दिया है टेंसर आ, मैट्रिक्स बना दिया है तो अब इसकी शेप क्या है वन बाई फोर है इवन इसको प्रिंट करवा लेते हैं हम कहते हैं प्रिंट एक्स ठीक है अच्छा अब इसको चेंज करते हैं इसको कर देते हैं टू बाय टू अब आप देखें वही ऊपर वाला जो आपके पास वेक्टर था उसका साइज़ क्या हो गया वो मैट्रिक्स शेप में आपको नज़र आ रहा है एक और शेप ट्राई करते हैं हम करते हैं फोर बाय वन अजीब बात है कि ये बड़ा वो आ, बड़ा ही स्मार्ट लाइब्रेरी uh, है आप देखें मैं अब इसको कोई और आर्ग्यूमेंट देती हूँ फॉर एग्जांपल मैं इसको कहती हूँ थ्री और टू तो देखते हैं अब ये क्या करता है एरर दे दी क्योंकि हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे फोर एलिमेंट्स थे हम फोर को सिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते सो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप इसको बार 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 प्रैक्टिस कर लें और ये जहन में रखें कि नंपाई लाइब्रेरी के बग़ैर हम डीप लर्निंग में कोई एक प्रोग्राम भी मुश्किल से कर पाएंगे ये मैंने ऊपर शेयर कर दिया ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर लें प्रिंट करवा लें इसी तरह से आप वन से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं आप रैंडमली जनरेट कर सकते हैं एलिमेंट उसके लिए आप रैंड यूज़ करेंगे नेक्स्ट सेशन में हम इसको और डिटेल में कवर करेंगे सो आई होप कि नम का एक बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का मैंने आप से शेयर कर दिया हम अपने लेक्चर्स में लम्पाई लाइब्रेरी को बहुत एडवांस लेवल पर यूज़ करेंगे सो so, एक सेशन और होगा जिसमें ट्रांसपोज और इस तरह की छोटी छोड़ छोटी सी चीज़ें मैं कवर कर दूँगी अल्लाह ताला आपको खूब नवाजे थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफ़